Bismillah Rahman Rahim and Assalamu Alaikum. Hello everybody, how are you all? Me Abdul Nabi Ahmad from Cantab Publisher. आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, विच इज होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस. तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3. लेसन नंबर 2 में हमने क्या किया था, हमने 5 डिजिट नंबर्स को रीड करना सीखा था और हमने ये देखा था कि 6 डिजिट नंबर, सबसे फर्स्ट डिजिट नंबर कौन सा, 6 डिजिट नंबर 100,000. तो आज का हमारा एसएलओ देखेंगे क्या है. लास्ट एसएलओ में हमने क्या किया था, 100 आफ्टर 100 नंबर्स को रीड करना सीखा था. तो आज के एसएलओ में क्या करेंगे, हम राइट करना सीखेंगे नंबर्स को, कहां तक, अप टू 100,000 का हम नंबर्स को राइट डाउन करना सीखेंगे न्यूमरल्स में. तो अभी देखते हैं इसको कैसे स्टार्ट करेंगे. आपके लिए हमने यहां पे लेसन प्लान अपलोड कर दिया है ताकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उस लेसन प्लान को डाउनलोड करके उससे मुस्तफीद हो सकें. तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर बच्चों ने 4 डिजिट नंबर्स तक पढ़ा था, ठीक है. तो हम क्या करेंगे कि बच्चा आप मुझे क्या करेंगे, ये देखें कितने डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर है, इसको आपने रीड करना है. अब ये देखें, ये आपका क्या है वंस, ये आपका क्या है टेंस, ये आपका क्या है हंड्रेड, ये क्या है थाउजेंड्स. तो क्या इसको रीड करेंगे, 1483. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1483, किसको लिख के दिखाएंगे, अपनी टीचर को लिख के दिखाएंगे. यहाँ फोर नंबर्स गिवन है तो जल्दी से बेटा ये नंबर्स आप किसको लिख के दिखाएं, टीचर को लिख के दिखाएं. टीचर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें और अगर आप इन नंबर्स को असेस ना कर सकें तो आप अपनी तरफ से कोई भी 4 डिजिट नंबर्स दें ताकि बच्चे को ये इस मकाम पे ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट ईयर बच्चे ने जो 4 डिजिट नंबर पढ़े थे क्या बच्चे के जहन में वो नंबर्स हैं या बच्चा भूल चुका है. अगर भूल चुका है तो ये नंबर्स आप डिफरेंट नंबर्स देंगे तो बच्चे के जहन में कुछ नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो कुछ बच्चे तो इतने शार्प है कि जल्दी से वो इसको पढ़ के बताएंगे. तो अभी हम मूव करते हैं वार्म अप एक्टिविटी की तरफ. वार्म अप एक्टिविटी में यहां पे मैं आपके सामने नंबर बताऊंगा और आपने उसको क्या करना है, राइट डाउन करना है. देखें पहले आपको क्या नजर आ रहा है, 10,000. तो आप 10,000 में आपको पता, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000. अब देखें यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो क्या 90, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है 95,000. बाकी आप खुद कंप्लीट करेंगे. क्यों कंप्लीट करेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको नंबर को रीड करना बताया था. तो नंबर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा, ये देखें क्या है 1 2 3 4 5, तो क्या बना ये आप बताएंगे, मैं सिर्फ आपके सामने लिख रहा हूं. यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3. इस नंबर को आप टीचर को रीड करके दिखाएंगे. तो टीचर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो बच्चों से ये नंबर रीड करवाएं, जो बच्चा रीड करे उसको कहेंगे लाउडली रीड करे ताकि बच्चे बाकी बच्चे भी इसको सुन सकें, और इस तरह के डिफरेंट नंबर आप क्लास में प्रैक्टिस करें, 2 से 3 नंबर. इससे क्या होगा, अगर लास्ट एसएलओ का हमें पता चलेगा कि बच्चे को लास्ट एसएलओ समझ आया था या नहीं समझ आया था. तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे आज के एसएलओ की तरफ जाएंगे. हमारा टुडेज कॉन्सेप्ट क्या है, ये यहाँ देखेंगे नंबर लिखा हुआ है एक 39,847. अब याद रखें कि जब भी आपने कोई नंबर राइट डाउन करना होता है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000. क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है कि हमने कहाँ तक पढ़ा, 100,000 तक. और आपको मैंने ये बताया था ये फैमिली वंस की फैमिली होती है और ये फैमिली किसकी फैमिली होती है, थाउजेंड्स की. अब आपने याद रखना है कि जब भी थाउजेंड लिखा हुआ है तो उसके लेफ्ट साइड पे देखें, देखें लिखा 39. तो ये याद करें कि 30 किसको शो करता है, 10,000 को शो करता है. तो 10,000 में 1 लिखेंगे तो 30,000 बनेगा, 2 लिखेंगे 30,000 बनेगा, 3 लिखेंगे, यस, तो 3 लिखेंगे तो क्या बना 30. अब आगे क्या लिखा हुआ है, 9,000. तो 30 देखें ये क्या बन गया, 39,000. और याद रखें कि जब भी एक फैमिली कंप्लीट होती है आगे दूसरी फैमिली शुरू होती है तो एक क्या लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है, ठीक है. Then 800, तो जहां पे 100 लिखा है इसके नीचे क्या लिख देंगे, 8, then 47,
टेंस कितने हो तो 40 होते हैं, 1 2 3 4, 4 टेंस क्या होते हैं 40, और 1 पे क्या लिखेंगे 7। इस तरह आपने ये नंबर लिखने हैं। अभी मैंने आपको एक नंबर करके दिखाया, टीचर आपको डिफरेंट नंबर देंगी जो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो टीचर आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कम से कम 2 से 3 नंबर दें ताकि बच्चे इस टुडेज कॉन्सेप्ट को समझ सकें और बच्चे नंबर राइट डाउन कर सकें। तो थोड़ा से ब्रेक के बाद हम दोबारा रिज्वाइन होंगे ताकि ये बच्चे अगर अपने नंबर्स नहीं लिख सके तो वो ग्रुप एक्टिविटी की तरफ नहीं जा सकते। तो टीचर इसको जल्दी से करवाएं और 3-4 बच्चों को कहें कि अपनी मर्जी से नंबर्स लिखें वन स्टेंस में, तो उसको दूसरे बच्चे क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। तो जल्दी से करें, तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ। बी क्विक। वेल डन बच्चों, आपको समझ आ गया टुडेज कॉन्सेप्ट। अभी हम क्या करेंगे, अब ये देखें 39,847, जी मैंने आपका नंबर बना के दिया। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इस ग्रुप एक्टिविटी के लिए आपके कितने मेंबर्स होने ज़रूरी हैं, हर ग्रुप के 5 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। करेंगे क्या, अभी हम छोटा सा पॉज लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000, और आपको बहुत सारे नंबर्स गिवन हैं, और नीचे एक नंबर गिवन है जो कि किस में लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है। आपने जो नंबर्स वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको आपने यहाँ पे राइट डाउन करके दिखाना है। तो अभी हम शिफ्ट होते हैं टेबल की तरफ, तो पॉज लें थोड़ा सा, फिर हम शिफ्ट होते हैं टेबल की तरफ। वेरी गुड बच्चों, टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें वंस हैं, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स हैं, ये थाउजेंड है, और यह है 10,000, और नंबर क्या लिखा हुआ है 56,314। आप देखें, सबसे पहले आप देख क्या सुन रहे हैं, 56,000, 50,000, कौन सा नंबर चूज करेंगे तो 50,000 बनेगा जी। 3 से तो बनता है 30,000, 4 चूज करेंगे 40,000, 6 चूज करेंगे 60,000 बन जाएगा, तो 5 चूज करेंगे तो क्या बनेगा 50,000। आप देखें 50 के बाद यह 6, तो ये आपका पड़ा हुआ है 6, तो ये आप यहां पे रखेंगे 56,000। देन 300, तो 3 कहां है, ये आपका मिल गया 300। देन 14, ये टेंस की पोजीशन पे 1 आ गया और यहां पे 14। अब मैं इनको हटा देता हूं ताकि हम नंबर को समझ सकें, 56,314। यहां पे आपने एक और काम करना है, आपने इन 2 डिजिट्स के बीच में, ये देखें जहाँ पे भी, याद रखें मैथमेटिक्स में आफ्टर 3 डिजिट्स चूँकि फैमिली चेंज होती है तो आपने कॉमा लाजमी डालना है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको एक नंबर सिखाया है, अभी आप क्या करेंगे, 3, 3, 4, 4, 5, 5 के ग्रुप बनाएंगे आप। कुछ बच्चे ये नंबर लिख के देंगे अपनी मर्जी से कोई भी नंबर दूसरे बच्चों को, और दूसरे बच्चे जो हैं उस नंबर को इस तरह कार्ड्स टीचर आपको देगी, ये शीट भी बना के देंगी। अगर टीचर ये शीट भी आप बच्चों से बनवाएं तो बच्चों की लर्निंग का बहुत ज़बरदस्त वे हो जाएगा। तो आपने इस तरह को ये पहले नंबर देखना है और उस नंबर को देख के आपने कार्ड यहाँ पे लगाने हैं। तो टीचर इस एक्टिविटी को एक्टिवली क्लासरूम में परफॉर्म करें, तो आई एम वेटिंग फॉर यू। तो जैसे ही बच्चों को, बच्चे ये 2, 3 से 5 नंबर बना लें तो फिर हम दोबारा ज्वाइन होते हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो बी क्विक, तो जल्दी से इसको परफॉर्म करें, और मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग का वेट कर रहा हूं। जब आपको एसएलओ मुकम्मल तौर पे समझ आ गया फिर हम आगे जाएंगे। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। मार्वलस बच्चों, आपने ग्रुप एक्टिविटी बहुत अच्छी की, आपने 5-5 नंबर्स बना के दिए टीचर्स को, और ना सिर्फ बना के दिए, उन्हें लिख के भी दिखाए, उनको रीड भी करके दिखाया। अब बारी किसकी है, अब बारी है इंडिविजुअल वर्क की। हर बच्चा अपने डेस्क के ऊपर टीचर को काम करके दिखाएगा। अब करना आपने क्या है, ये 2 नंबर्स गिवन है, 24,934, 56,221। तो जल्दी से ये दोनों नंबर्स आपने टीचर को राइट डाउन करके देने हैं। टीचर जल्दी से ये इनको नंबर्स दें, अगर ये जल्दी कर लें तो इनको 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा दें ताकि ये मज़ीद इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जल्दी से आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें, तो फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, फिर हम जाएंगे रैप अप की तरफ। तो ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर टाइम, तो जल्दी से आप करके वापस आएँ।
एक्सीलेंट बच्चों, आपने इंडिविजुअल वर्क बहुत अच्छा किया। अब बारी है रैप अप की। रैप अप में सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आज का हमारा एसएलओ क्या था। जी आज का हमारा एसएलओ था राइट नंबर्स अप टू 100,000, कि आपने 100,000 तक नंबर्स राइट करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको राइट करने आ गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप टीचर को ये नंबर्स लिख के दिखाएंगे। 31,571, तो आप ये टीचर डिफरेंट आपको नंबर्स देगी। जल्दी से आप ये नंबर लिख के दिखाएं टीचर को। जब टीचर को आपने ये लिख के दिखाया तो टीचर को कंफर्म हो जाएगा कि ये एसएलओ मुकम्मल तौर पे अचीव हो गया है। बच्चे किसी भी नंबर को राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम पॉज की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये जल्दी से एक एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे क्लासरूम में, फिर हम रीजॉइन करते हैं। ओके, टेक योर टाइम। बच्चों, आपने रैप अप में बता दिया कि हमें ये एसएलओ मुकम्मल तौर पे समझ आ गया। अब बारी किसकी है, होमवर्क की। तो आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स ग्रेड 4 की बुक का पेज नंबर 12, यहाँ पे एक्सरसाइज 1A में आपको दिया रीड अलाउड एंड राइट न्यूमरल्स। क्या करना है, आपने रीड भी करना है और किस में लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है, 65,294। अब देखें, ओ स्टैंड्स फॉर वंस, देन टी स्टैंड फॉर 10, एच स्टैंड फॉर 100, टी एच स्टैंड फॉर 1000 एंड 10,000। तो हम पहले, मैंने आपको बताया था 1000 के इधर आपने पढ़ना है क्या लिखा हुआ है, 65। तो पहले 60 के लिए कौन सा राउंड नंबर यूज होगा, 1 2 3 4 5 6, जी 60। तो ये बना 60, और 1000 के लिए 5000, इट मीन 65, और इसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमा, देन 294। तो 100 के नीचे 2 आ जाएगा, 90, कितना कौन सा नंबर हो तो 90 बनेगा, 3 से तो 30 बनेगा, 4 से 40 बनेगा, 8 से 80, और 9 से क्या बनेगा, 94। तो एक नंबर मैंने आपको बना के दे दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि ये नंबर आप यहाँ से कॉपी ना कर सकें और आप घर जाके इसको खुद करें। तो जल्दी से आपने, जैसे ही घर पहुँचना है, आपने सबसे पहले बुक ओपन करनी है और ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करके टीचर को दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, रैप अप की तरफ जाएंगे। रैप अप के बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क, जिस शीट का आपको हमेशा इंतज़ार होता है। क्या करना है, आपने अपनी मर्जी से नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी नंबर्स यहाँ पे प्लेस करने हैं। प्लेस करने के बाद आपने उस नंबर को वर्ड्स में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये तीनों मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अपनी तरफ से मैं चूज़ करता हूँ कोई भी नंबर्स, जैसे सपोज 39,427, ये मैंने नंबर चूज किया सपोज। अब इस नंबर को वर्ड्स में लिखना है तो क्या लिखूंगा, 39,427। मैं इधर लिखना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास शीट छोटी है, आपके पास थोड़ा सा पेज बड़ा होता है, 27। देन स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रखें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, 39,427, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। देन एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, देखें 10,000 पे क्या आएगा, 30,000, ठीक है, देन 9,000, देन 400, देन 20, एंड देन प्लस 7, 39,427। ये आपने एटलीस्ट 3 to 5 नंबर्स बना के किसको दिखाने हैं, टीचर को दिखाने हैं। तो आपको पता है कि इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, कैंटा पब्लिशर को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही छोटा सा लिंक दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, क्लिक करने से क्या होगा हमें कि हम लेसन प्लान को, एक्स्ट्रा एक्टिविटी को और पावर पॉइंट स्लाइड्स को जो कि इस वीडियो की हैं उसको डाउनलोड करने के काबिल होंगे। तो आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारे नंबर्स बनाए, नंबर्स को राइट डाउन करना सीखा, नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा, नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखा।
तो आई होप कि आपको ये आज का लेसन अच्छा लगा होगा। तो इसी एनर्जी के साथ मैं नेक्स्ट लेसन में आपका वेट करूंगा और आप मेरा वेट करेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।